दिल्ली में शराब घोटाले में जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल को 24 घंटे के भीतर एक बार फिर दिल्ली के जल बोर्ड घोटाले के मामले में दूसरा समन भेजा गया है। 18 मार्च को उन्हें पेश होना है और दिल्ली में 7 चरणों में जो मतदान 25 मई को होना है उसको लेकर जमीन पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। न्यूज 24 अभी मौजूद है पूर्वी दिल्ली में, जहां से कुलदीप कुमार बनाम भारतीय जनता पार्टी के हर्ष मल्होत्रा चुनाव मैदान में है और चुनाव की बेला है। तो एक माहौल दिखा रहा हूं देश का कि देखिए कैसा माहौल है। आम आदमी पार्टी का एक रोड शो हो रहा है जहां से लोग गुजर रहे हैं और चुनाव की तैयारियों को लेकर यहां पे अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। महिलाओं की टीम है यहां पे और लोग, बहुत सारे लोग यहां पे अपने अपने कैंडिडेट के प्रचार के लिए चुनावी मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी से हर्ष मल्होत्रा चुनाव में हैं और उनके मुकाबले कुलदीप कुमार जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठजोड़ से यहाँ उम्मीदवार हैं। तो ग्राउंड पर माहौल क्या है ये देखिए, जगह जगह से लोग यहाँ फूल बरसा रहे हैं और दिल्ली के आम लोगों के बीच है। और ये जानने के लिए कि दिल्ली का माहौल क्या है, भाई साहब दिल्ली का माहौल क्या है, देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा सभा पदयात्रा शुरू हो गई। दिल्ली का माहौल ये है कि जो दिल्ली का माहौल इस टाइम केजरीवाल जी के पक्ष में पूरा माहौल बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली के अंदर पब्लिक को क्या चाहिए। दिल्ली के अंदर एमसीडी में पब्लिक ने चुन के भेजा, विधानसभा में चुनाव की बार दिल्ली की जनता यही चाहती है। सातों जो सांसद हैं यहाँ से, बात समझ लो, वो सब केजरीवाल जी के चुन के आए, सातों को साथ गठबंधन से चाहे कांग्रेस के और आम पार्टी के मिल के आए, तो पब्लिक के दुनिया भर के काम कर सके, जो पब्लिक को परेशानी होती है उनके लिए नहीं। तो ये देखो ना, ये जो इन्होंने छः सांसद बदल दिए, इन्होंने जो बीजेपी वालों ने बदले हैं उन्होंने कुछ काम नहीं करे, जब भी तो उन्हें सांसद बदलने की जरूरत पड़ गई, और जो काम करे होते तो वो क्यों बदलते। अब इन्होंने जो यहाँ से पूर्वी दिल्ली से जो अब सांसद उतारा, पार्टी वालों ने उतारा है, जो ये कुलदीप भाई को उतारा है, बात समझो, वो पब्लिक का दुख दर्द हर चीज़ जानते हैं, लोगों का काम करना जानते हैं। वो निगम पार्षद रहे हैं, आज विधायक हैंगे, बात समझो, और जो जनता उनको सांसद बना के चुन के भेजती है वो हमारे बीच के नेता हैंगे, बात समझ लो, तो लोगों का वो हर काम में पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी काम पड़े तो बात बताइए, आप आम आदमी पार्टी की राजनीति करते हैं इस इलाके में, क्या करते हैं आप क्या करते हैं यहाँ? भैया मैं आम आदमी हूँ, एक आम कार्यकर्ता हूँ। अच्छा, आम कार्यकर्ता। तो ये बताइए, जब आप घूम रहे हैं तो लोग जो जानते हैं वो बोलते हैं कि 2014 का नतीजा देख लो, 2019 का नतीजा देख लो, कि 55% भारतीय जनता पार्टी को यहाँ वोट मिले, चाहे कैंडिडेट कोई हो, महेश गिरी हो तब भी, गौतम गंभीर हो तब भी, अब हर्ष मल्होत्रा हो तब भी। ऐसे में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो एक दूसरे के खिलाफ रही है पार्टी, वो एक साथ वोट कर पाएगी? लोग तो पहला ये पूछ रहे हैं। वोट क्यों नहीं कर पाएगी मिलकर? अगर जो पब्लिक को अपने काम चाहिए उनको देखना, भाई जमीन से उन्हें देखना कि दुख तकलीफ है, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत है, उन्हें पब्लिक को एक साथ आना पड़ेगा और वो खुल के गठबंधन को, आम पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को जिता के, वोट दिला के, यहाँ से सांसद बना के पब्लिक को भेजना, अगर जो उन्हें अपना काम करवाना अच्छे काम के लिए। क्या माहौल है भैया इस बार? माहौल इस बार एक तरफा है, आम आदमी पार्टी पूर्वी दिल्ली में तो आ रही है और पूरी दिल्ली में अभी माहौल बन रहा है धीरे धीरे। पर हमारे यहाँ जो पूर्वी दिल्ली से हमारे यहाँ के भाई हैं कुलदीप कुमार मोनू जी, जो इस टाइम प्रेजेंट में विधायक हैं, वो हमारे यहीं के क्षेत्र के एक तो रहने वाले हैं, वो ऐसे कोई फ्लाइंग में नहीं आए कहीं से कि जब बाहर से आ गए कि आपकी टिकट हो गई, आप यहाँ से लड़ रहे हैं, और वो 5 साल आते नहीं, जैसे गौतम गंभीर जी थे कॉमेंट्री कर रहे थे बस, उन्हें हम लाइव देखते थे, कभी क्षेत्र में नहीं देखते थे। कुलदीप भाई हमारे यहाँ से निगम पार्षद रहे हैं, विधायक रहे हैं और हमारे क्षेत्र के ही बेटे, उन्हें एक कर्मचारी उनके पिताजी। यहाँ लड़ाई अब है कि मोदी की गारंटी बनाम अन्य है। अच्छा। जब सबसे ज्यादा आरोप लग रहा हो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री पर लगातार या इस पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगातार आ रहे हैं, अब देखो जैसे ही शराब नीति वाले मामले में उन्हें जमानत मिली, अब जल बोर्ड के घोटाला में उनको समन मिल गया है, तो भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार इस बार जो लड़ाई है, इस बार आम आदमी वर्सेस मोदी, आम आदमी जो आम लोग हैं, कॉमन मैन वर्सेस मोदी है इस बार लड़ाई। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी वर्सेस आम आदमी। अच्छा, क्या सर आप लोग इधर ही हैं? अरे हम तो ऐसे ही पूछ रहे हैं, आम लोगों के बीच आए हैं, नेताओं के पास तो आए नहीं हम लोग। क्या नाम है आपका? अमन। क्या करते हैं आप? बिजनेस करते हैं, रियल इस्टेट का। तो रियल इस्टेट में तो मुनाफा है। हाँ जी। तो कैसा सरकार काम कर रही है केंद्र की 10 साल से? 10 साल से जो सरकार काम कर रही है, मतलब काम तो ठीक चल रहा है, पर जो रिश्वत थी और ज़्यादा बढ़ गई है पहले से, भ्रष्टाचार और ज़्यादा बढ़ चुका है भाजपा के आने से।
भाजपा वाला कर रहा है भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा दिल्ली में बढ़ गया है आम आदमी पार्टी क्या से? है पहले पहले क्या था काम इजीली हो जाते थे कम पैसे में, अब ज़्यादा पैसे में होते हैं और आराम से भी नहीं होते हैं, पैसे देने के बाद भी काम नहीं होता। अरे यही तो बीजेपी कह रही है कि चाहे दिल्ली में जल बोर्ड का मामला हो कि टेंडर के बदले पैसा दिया उससे चुनाव लड़ती है पार्टी, शराब घोटाले में देखो आप केजरीवाल जी ने देखो ना कितने काम कराए हैं, उनके तो हाथ में नहीं उसके बाद भी वो काम करा रहे हैं केजरीवाल जी। और कुलदीप भाई का भी और मामला लग रहा है कि पार निकलेंगे अपने यहाँ सीट से, गांव का हमारे यहाँ आम आदमी पार्टी के समर्थक। हाँ बिल्कुल, ये समर्थक नहीं है, हम तो पर इस बार वोट देंगे, हम बीजेपी को वोट दे देते पर इस बार अपना वोट बदलना है। जब करप्शन के मुद्दे पर जब आपके नेता पर हमला करेगा, आपके कैंडिडेट पर हमला करेगा, तो आप लोगों के पास क्या जवाब है? आसपास के जो वोटर रहते होंगे वो तो बोलते होंगे, हम देख रहे थे बहुत सारा झंडा लगा हुआ है जय श्री राम का, श्री राम का लगा हुआ है जो, वो ठीक है बट अपने यहाँ काम होगा उस हिसाब से तो उसको तो वोट दी जाएगी। अब पिछली बार वहाँ से बीजेपी से जो सांसद थे गौतम जी, वो हमने कभी देखे नहीं है, अच्छा। तो हमने तो टीवी में देखा है उनको, तो वो तो इस बार कह रहे हैं कि भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे, उन्होंने इच्छा जताई, ये अलग बात है कि सरकार पार्टी ने उनका टिकट पता नहीं किसको ला के यहाँ खड़ा कर दिया भाजपा से, हमने उनका कभी नाम भी नहीं सुना मल्होत्रा जी का, हर्ष मल्होत्रा को नहीं जाता, अरे मेयर रहे इधर नहीं, हमने सुना, हमने तो कुलदीप जी का अपना सुना है, वो काम भी कर रहे हैं जमीन से जुड़े हुए, उनका क्षेत्र भी नहीं लगता विधायक का, फिर भी यहाँ आते जाते रहते हैं। और इधर